ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ एफसीआई के डायरेक्टर सीनियर भाजपा आगू जीवन कुमार गर्ग के सरकारी गनमैन की अज भेतरे हालातों के उसकी ही गड्डी के लाश मिलने का समाचार प्राप्त होया। गनमैन के मत्थे के उत्ते गोली लगी हुई सी ते उसकी लाश उसकी निजी गड्डी की ड्राइवर सीट तो मिली है और उसकी सरकारी कारबाइन भी उसके कोल मौजूद सी। इस संबंधी जो पुलिस अधिकारियों को पता लगता है तो मौके पर पहुंचते हैं, जिन्होंने वालों डेड बॉडी मोर्चरी के रखवाया गया है और दसिया गया कि मत्थे के उत्ते गोली वजी हुई है। भेदभरे हालात के जिहड़ी गड्डी आ लावारस तौर के उत्ते खड़ी हुई मिली, जिस तो बाद जो लोगों ने देखा तो जाके जो जांच पड़ताल की गई, फोन ट्रैक किया गया, उस तो बाद इसकी डेड बॉडी है जी मिलती है। तो इस मौके जीवन गर्ग जिहड़े कि सीनियर आगू ने भाजपा के, उन्होंने की दसिया, आओ तुसी भी सुनो। मेरा नाम जीवन गर्ग है जी और मेरे पास अभी भारतीय जनता पार्टी का मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मैंबर हूँ और ये जो साड़ी मैंबरशिप ड्राइव इंडिया में चल रही है उसका मैं मालवा जोन का इंचार्ज हूँ। तो ये जो मेरे PSO थे, सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड थे मेरे PSO, ये मेरे पास जुलाई के फर्स्ट वीक इसने ड्यूटी पे आया था ये, और मेरे साथ तो ठीक ड्यूटी कर रहे थे, दो तीन महीने हो गए, तीन महीने तकलीफ हो गया था, ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो बस कल मुझे जाना था बाहर कहीं, करीब 9 और 10 के बीच अपना यहाँ आ जाते थे। तो कल जब थोड़ा लेट हुए तो फिर मैंने फ़ोन वन किया, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने इनकी मदर हैं जो इसी डिपार्टमेंट में पुलिस, तो परचान सुनकर नंबर भी था मेरे पास पहले ही, तो पहले भी एक दो बार बात हुई है, तो क्योंकि इनके घर में एक कार्यक्रम था, मैं जा गया भी था, तो उससे जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं पूछ के अभी पता करके बताती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद जब दोबारा मेरा कॉन्टेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया भी ऐसे करके उसने गोली मार ली है। तो मैंने फिर तुरंत यहाँ लोकल हमारा SHO या डिप्टी थे राहुल भारद्वाज जी, उनसे कॉन्टेक्ट किया और उनको सारी बात बताई, और SSP संगरूर ऑफिस में भी उनसे बात करके उनको भी सारी बात बताई। तो उसके बाद जो लोकल थाना वहाँ पड़ता था जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, शायद कोई तबलान के नेड़े जाला के नेड़े ये हुआ था, उसमें फिर पिसियाणा की जो SHO थे उन्होंने सारा इस केस को वेरीफाई किया भी किया है, तो फिर पता चला भी हाँ वाकई इसने सुसाइड कर लिया या गोली मार ली, ऐसा कुछ आया अभी तक तो सामने की बात आई है। कल गोली दे नाल मुंडे दी मौत, हाँ जी वो कुदरती ते हुई है। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਤਨਾਤ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਉਹ RSS ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਾਲਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਤੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰਬਾਈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਸਰ, ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ? ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬੋਰਡ ਬਿਠਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਲਈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਕਵਲ ਹੈਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।